তাই কাছে তুমি যেও না। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না। তার কাছে তুমি যেও না, তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখ দেখি ভুলি যাবে হরি, যার মুখে দেখি ভুলি যাবে হরি, তার মুখ পানে ছেও না। তার মুখে পানে ছেও না, যার মুখ দেখি ভুলি যাবে হরি, যার মুখে হরি, যার মুখ দেখি ভুলে যাবে হরি, তার মুখ পানে ছেও না। তার মুখ পানে ছেও না, যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি কদিন রহিবে ভব মাঝে আর, অবিলম্বে কর যাহ করিবার। কদিন রহিবে ভব মাঝে আর, অবিলম্বে কর যাহ করিবার। কদিন রহিবে ভব মাঝে আর, অবিলম্বে কর যাহ করিবার। কদিন রহিবে ভব মাঝে আর, অবিলম্বে কর যাহ করিবার। পরের কথায় কি বা আসে যায়, পরের কথায় কি বা আসে যায়, কি বাসে যায়, তুমি পেও না। মিছে দাগা তুমি পেও না, মিছে দাগা তুমি পেও না, মিছে দাগা। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না। কে তোমাকে কবে কথা কহিবে, সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে। কে তোমাকে কবে কি কথা কহিবে, সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে। কে তোমাকে কবে কি কথা কহিবে, সে কথা ভাবিলে চলিবে। কে তোমাকে কবে কি কথা কহিবে, সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে।
पद संपद राखिबे जे पदे विपद संपद राखिबे जे पदे विपद संपद राखिबे जे पदे विपद संपद राखिबे जे पदे तार पद के ना भाव संपद राखी बेजे पद दार पद के न भावना विपद संपद राखी बेजे पद दार पद के न भावना चार मुखे भाई हरि कथा नाई तार काछे
जिसके मुख में हरि कथा नहीं है ऐसे व्यक्ति के निकट आप मत जाइए। नरोत्तम दास ठाकुर सीधा सजेशन दे रहे हैं, हरि कथा जहां नहीं है वहां मत जाओ। प्रभुपाद कहते हैं जाबो की जाबो ना, खाबो की खाबो ना। जब ऐसा मन में प्रश्न उठे कि यहां जाएं कि ना जाएं, तो प्रभुपाद कहते हैं जाबो तू शौचे, अगर शुद्धि का स्थान है तो चले जाओ, सोचो नहीं। शौच दो तरह से, अपने अंदर के पेट की शुद्धि को भी मान लो, उसको भी टालना नहीं चाहिए नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, और सत्संग वो भी शौच का स्थान है, वो आंतरिक शुद्धि है, हृदय की शुद्धि है। वहां कभी भी ऐसा कोई प्रश्न उठे जाएं कि ना जाएं, तो फिर मनमानी करने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन है सीधा सीधा कि जाना है,
लेकिन जहां हरि कथा नहीं है उसको तो किसी प्रायोरिटी पर रखना ही नहीं है, जो ना कदम बात। और जार मुख देखी भूली जावे हरि, वो अपनी ही बात करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है और हमारी सुनता ही नहीं है, भगवान की चर्चा करता ही नहीं है, तो तार मुख पान उसका मुख भी मत देखो, कोई जरूरत नहीं है, इसी में तुम्हारा हित है। क दिन रही बे भव माझे आर, और कितने दिन रहोगे संसार में, अविलंबे कर जाहक करिवार, जिस काम के लिए आए हो, मनुष्य की देह मिली है वो काम तो करो अविलंब, उसमें देर मत करो, अविलंबे कर जहां करिवार, जो करने योग्य काम है, क्या करने योग्य काम है, भजन, क्यों करना है, प्रेम चाहिए, क्यों प्रेम चाहिए, साक्षात सेवा चाहिए, ठीक है, साक्षात सेवा का अगर लक्ष्य है तो फिर प्रेम लक्ष्य ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बिना प्रेम के तो साक्षात सेवा है नहीं, और फिर प्रेम चाहिए तो फिर जब आदमी बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि हमारे लक्ष्य हमको चाहिए, जब लक्ष्य फिक्स हो जाता है तो प्रोसेस अपने आप प्रॉपरली फॉलो होती है, जब तक टारगेट फिक्स नहीं है तब तक साधन भी ढीला ढाला होता है, किसी ने लक्ष्य ही नहीं बनाया है कहीं जाने का तो वो ट्रेन बुकिंग में भी ढीला ढाला रहेगा, करा लेंगे नहीं मिली तो भी क्या हुआ, फिर अगले साल चले जाएंगे, इस तरह से वो टालता टालता रहता है, लेकिन जिसको जाना होता है वो कहता है बस आज ही से शुरू है, मैं 4 महीने पहले ठीक बुकिंग कर लो नहीं तो क्या पता टिकट मिले ना मिले, है ना। उसी तरह से ये मनुष्य जन्म काहे के लिए मिला है, प्रेम प्राप्त करने, सेवा प्राप्त करने, तो अब वो कैसे होगा, नाम से होगा, तो नाम निरअपराध होना चाहिए, ये अपराधी तो दुर्दैव है, दुर्दैवम मिदृशम इहा जनिनानुराग, अपराध के कारण अनुराग नहीं होता नाम में, तो इसको अविलंब करो, इसमें देर मत करो, कह दिन रही वे भव माझे यार, कुछ ठिकाना नहीं, अब परे रख कथा है, अगर ये नहीं करोगे, जो जीवन का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए साधन है वो नहीं करोगे तो फिर क्या दूसरी बातों में लगे रहोगे, परे रख कथा है, तो वो क्या है, मिछे दागा तुम्हें पेव ना, तुम धोखा खा रहे हो, इस तरह से झूठ मूठ में तुम धोखा मत खाओ, ठीक है, व्यर्थ धोखा मत स्वीकार करो, तुमको लगता है कि मेरा मनोरंजन हो रहा है, बातें कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं संसार में, कुछ नहीं, सब धोखा है, कोई काम नहीं आएगा अंत समय में, कोई काम नहीं आने वाला है, इसलिए बस जहां कृष्ण कथा है बस वही जगह सबसे पवित्र, वहीं जाओ, बाकी कहीं जाने की परेर कथा है कि वह आसे जाए, तो दूसरी चीजों को लोगों की कथाएं सुनने के लिए क्यों जाते हो, मत जाओ, के तुम आके कभी की कथा कही बे, कोई तुमको कभी कुछ सुनाएगा, कभी कुछ सुनाएगा, कभी कुछ सुनाएगा, तो सुनाते रहेंगे लोग तरह तरह की बातें, क्योंकि जिन्होंने लक्ष्य बनाया है वो तो कृष्ण की एक ही टॉपिक होता है उनके पास कृष्ण, बाकी लोगों के पास तो हजारों टॉपिक, श्रोतव्य आदीन राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रशः, श्रोतव्य आदीन, श्रोतव्य माने सुनने के लिए, निर्णाम संति सहस्त्रशः, उनके पास सैकड़ों टॉपिक होते हैं, सहस्त्रशः हजारों टॉपिक होते हैं उनके पास, पॉलिटिक्स भी है तो गेम्स भी है तो सोसाइटी भी है तो पता नहीं क्या क्या है, मूवीज में है, हजारों टॉपिक्स हैं उनके पास, लेकिन भक्त के पास तो एक ही टॉपिक है कृष्ण, कि के तुम आके कभी की कथा कही बे, से कथा भाविले
अब वो तो मुझे कथा से प्रेम करने लग गया। ये बहुत अच्छा है, बहुत टाइम पास करा देता है, बढ़िया, बड़ा हंसमुख स्वभाव का है, इसके साथ बड़ा मजा आता है, टाइम पास हो जाता है। ऐसे कैसे चलेगा? आर की चली वे ये नहीं चलेगा। विपदे संपदे राखी बे जे पदे, जो चरण कमल तुम्हारी विपदा में, तुम्हारी संपदा में तुम्हारी रक्षा करेंगे। तारा पद के ना भावना, उससे प्रेम क्यों नहीं कर रहे? उससे प्रेम करो, तारा पद के ना भावना, उसके प्रति भावना ही है। और के तुमा के कभे की कथा कही वे, से कथा भावी ले, उसमें तुम्हारा प्रेम हो रहा है। और तार पद के ना भावना, कृष्ण के चरण कमलों में तुम्हारी भावना नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं केवल हरि कथा कहो, हरि गुण गाओ, हरि नाम रसे सदा मत हो। हरि कथा कहो, हरि नाम गाओ, हरि गुण गाओ, बस और कुछ नहीं। हरि नाम गीति गाओ नीति नीति, हरि नाम के गीत रोज गाओ, अन्य को ना गीत गाओ ना, और कोई गीत गाने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान के भजन, भगवान शुद्ध भक्तों ने जो भजन लिखे हैं वो गाने चाहिए, और कुछ नहीं। जार मुखे भाई हरि कथा नाई, तार का छे तुमी जेउ ना। ये सिद्धांत पकड़ लेना चाहिए और अपना बहुत टाइम बच जाएगा। जार मुखे भाई हरि कथा नाई, तार का छे तुमी जेउ ना। जार मुखे भाई जार मुख देखी भूल जावे हरी, जार मुख देखी भूल जावे हरी, तार मुख पाने छेओ ना, तार मुख पाने छेओ ना। जार मुख भाई हरी कथा नाई, तार का छेओ Oh.
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भाई चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंदमय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप द्वारकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुत्वशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रिवीजन कर लिया जाए पहले श्लोक मैंने इन पर्ची में लिख रखे हैं। अब सब लोग एक एक पर्ची ले लो जिसके हाथ में जो श्लोक आएगा वो बताएगा। ले लो अनिवेदिता सबसे पहले तुम उठाओ आ जाओ। अरे बताएगी ये हमारे पास ही पास आएगा। हाँ जिसको आपकी मर्जी हो उसको पास कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है तो ले लो। अभी मुरली तुम बढ़ दो सभी को उठाने दीजिए जो पास करेंगे हम लोग बता देंगे। नहीं तो कोई नहीं हो पाएगा। प्रभु जी आपकी चॉइस नहीं चलेगी। चॉइस नहीं चलेगी पेपर आउट नहीं होना चाहिए। 25th श्लोक किसके पास आया है सबसे पहले वो बताएगा। खोलिए पर्ची तो खोलिए। अरे अभी माताएं पढ़ रही हैं क्या? अब बंद करिए। एग्जाम का टाइम आ गया माताएं मोबाइल खोले। बोल प्रभु जी 25th किसके पास है? अरे बता दो इसका है ये बताएगी प्रभु जी। हाँ बताएगी बिल्कुल। ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स है। ट्वेंटी फिफ्थ किसके पास है? कुछ दिन पढ़ना होता है। अरे भाई बोलो ये इन्हीं के पास है।
चलिए स्टार्ट करें। मिथाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इत्थं मिथ्या अतथ्यं अतज्ञ भाषितं श्रुत्वा विचिन्तयेति अमृषा अमृषायते रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृत् स्थिता स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो दधे। इत्थं मिथ्या अतथ्यं अतज्ञ भाषितं भगवान ने जब ग्वाल बाल सारे अगासुर के मुंह के अंदर चले गए तो भगवान इन सब की बातचीत को सुन रहे थे, उन्होंने सुना। और इत्थं मिथ्या अतथ्यं अतज्ञ भाषितं, उन्होंने देखा कि ये सब उस नकली अजगर के बारे में बातें कर रहे हैं जो कि सब झूठ है, बनावटी है, उसी के बारे में ये सब बातें कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने, क्योंकि भगवान अखिल भूत हृदय स्थित हैं, सबके हृदय के अंदर स्थित हैं, परमात्मा हैं, तो वो जानते हैं कि ये अगासुर जो है इसने अजगर का रूप ले रखा है और वो ग्वाल बाल उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं और वो सब आर्टिफिशियली बातें कर रहे हैं कि ये खेलने का स्थल है, गुफा है, खेलने का स्थल है, कोई ऐश्वर्य है वृंदावन का। तो भगवान ने फिर निरोधुम भगवान मनोदधे, भगवान ने ऐसा निश्चय किया अपने मन में कि मैं इन सब को मुझे बचाना होगा। स्वानाम निरोधुम भगवान मनोदधे, निरोधुम रोकने का निश्चय किया। ठीक, नेक्स्ट 26th। तावत् प्रविष्टा स्तु असुरोधर अंतरम परमना गिने शिष्य सवत्सा प्रतीक्षमाने बगारि वेशनम हतस्वकां एस्वाने सरक्षसा। जब जितने भी काल वाले थे, ग्वाल वाले थे, जब वो अगासुर के मुंह के अंदर जा रहे थे तो अगासुर ने अपना मुंह खोला ही रहा है ना, और वो वेट कर रहा था कि जब कृष्णा मुंह के अंदर घुसेंगे तब मैं घुमाऊंगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलिए। तान वीक्ष्य कृष्ण सकला भय प्रदो ज्ञान्यान् थान् स्वकरात् अवच्युतान् दीनांश्च मृत्यो जठरा निघासान् घृणाधितो दृष्टिकृतेन विस्मितः। प्रभु जी, भगवान ने जब ये देखा कि मैं तो इनको रोक नहीं पाया और ये जब देखा उन्होंने तो जो सबका जो सकल भय अप्रदो, मतलब सबको जो भय से दूर करते हैं वो कृष्ण, वो अब डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उनको ऐसा लगा विस्मित हो गए। हाँ, क्योंकि ये ह्यान अन्य नाथ था, ये जो उनके ग्वाल बाल हैं इनके और कोई नाथ नहीं है मेरे अलावा, अनन्य नाथ हैं ये, बिल्कुल मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। और उनको ऐसा लगा जैसे स्वकरात अविच्यतान, कि मतलब मेरे हाथ से ये गिर गए, निकल गए मेरे हाथ से, क्योंकि वो तो चले गए अंदर। वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, लेकिन ये तो उनकी बात ही नहीं सुने और वो सबके सब चले गए। तो उनको लगा कि मेरे हाथ से कोई एक बहुत कीमती मणि गिर गई। फिर दीनाश्च मृत्यो जठराग्नि घासान, और ये सब जो ग्वाल बाल है बिल्कुल इनकी हालत दीन जैसी है और ये मृत्यु के मुंह में पहुंच गए। अगासुर की जो जठर की अग्नि है उसमें जल रहे, बिल्कुल सूखे घास की तरह बिल्कुल। और फिर ये सब कुछ देख करके घृणाग्नितो दृष्टिकृतेन विस्मितः, ये देख करके भगवान के जो मन में करुणा, यहाँ घृणा जो है उसका अर्थ है करुणा, उनको ये करुणा जगाने के लिए ये लीला शक्ति ने किया है और वो बिल्कुल विस्मित हो गए। उनके जो भगवान के चेहरे में हमेशा एक स्माइल रहती है, वो उनकी स्माइल चली गई ये सब कुछ देख करके। ठीक, नेक्स्ट 28 आपके पास, बोलिए। कृत्यं चिंता से खलस्य जीवनम नावा अमिशांच सताम विहसनम दयं कथम स्यादिति संविंचित्य ज्ञात्वा विशद्दुंडं शेष हव्य हरिः।
प्रभु जी जब अघासुर के मुख में उनके भगवान श्री कृष्ण के भगवान हरि के जब बाल गोपाल जो उनके बाल सखा मित्र थे जब अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए तो भगवान ने सोचा, हालांकि भगवान को तो सब कुछ पता ही था कि ये मेरी लीला शक्ति है, सब कुछ करवा रही है, फिर भी भगवान ने सोचा कि जो हमारे बाल सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए हैं और ये जो खल अघासुर है, मैं इसके जीवन का अंत करूं या जो उसके मुख में प्रवेश, अजगर के मुख में हमारे बाल सखा प्रवेश कर गए हैं, उनकी रक्षा करूं। और यह सोचते हुए समचिंत्य यह सोचते हुए भगवान अघासुर के मुख में, मतलब उस अजगर के मुख में, अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। या नहीं है यहाँ पे जी। या का मतलब चॉइस हो गई ना, चॉइस नहीं है, दोनों काम करने हैं। ठीक, 29th। हाँ। तदा घनश्चदा देवा भयाद दहेति चुक्रुषु जाहृषु ये चा कंसात कौड़पा तु अघ बांधवा। जब कृष्ण अघासुर के मुख के अंदर चले गए थे तो देवों ने देखा, वो भयभीत हो गए कि कृष्ण भी अंदर चले गए, अब हमारा क्या होगा, हमारी घनच्छदा माने बादलों के पीछे, हाँ, जो बादलों के पीछे छिपे हुए थे वो देख रहे थे चुप करके कि कृष्ण भी जो है अंदर चले गए उसके अघासुर के, और जो दूसरी साइड थी कंस की, भयाधाहेति माने भय, भय डर गए थे वो देवता लोग, हा हे थी राक्षस, उन्होंने उन लोगों ने खबर दी कि जो अघासुर ने जो है कृष्ण को मार दिया है, अपने मुंह के अंदर ले लिया, तो ये कंस आदि लोग, ये जो लोग थे ये खुश होने लगे, एक साइड मतलब वो लोग हाय हाय चिल्ला रहे थे देवता लोग, और दूसरे साइड जो है ये एंजॉय कर रहे थे कि कृष्ण का अब अंत हो गया। वहाँ पार्टी चल रही थी। हाँ, 30th। तत् श्रुत्वा भगवान कृष्णस्तु अव्ययम् अव्ययसार्वभौमसखम् चूर्णा पितीशो आत्मानं तरसा ब्रदे गले। तो जब भगवान ने सुना कि एक तरफ तो ये लोग देवता लोग हाहाकार मचा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है असुर लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, दोनों को सुना भगवान ने, और फिर भगवान जो है उसके गले में अंदर जो थे उन्होंने जो है जो उसका उद्देश्य था अघासुर का कि इनको हम चूर्ण बना दें, चूर्णी चिकीर्षो कृष्ण के साथ जो है इनको हम चूर्ण चूर्ण बना दें, भगवान ने जो है अपने को वहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया, आत्मानं तरसा वृद्धे वृद्धे, अपने को वहाँ अंदर बढ़ाना ठीक शुरू कर दिया, इससे कि उसका जो है गला बिल्कुल रुद्ध हो गया, रुद्ध हो गया। फिर 31 किसके पास है? मेरे पास बोलो। पहले श्लोक पढ़ो। ततो तिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो युद्गीर्ण दृष्टे भ्रमतं स्थितस्ततः पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धान् विनिर्भिद्य विनिर्गतो बहिः। ततो अतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो, जब ऐसा किया भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया तो उसके शरीर के सारे मार्ग जो है वो बंद हो गए, लौंग छिद्र जो होते हैं वो सारे बंद हो गए, और हित गीर्ण दृष्टे ब्रह्मतन वितस्तता, और उसकी आंखें जो है वो बाहर निकल गई, भगवान ने अपना जब शरीर बढ़ाया। पूर्णों तरंगे पवनो निरुद्ध हो, और मूर्धान विनिर्भिद्य विनिर्गतो भई, और जो उसके प्राण वायु थी वो उसके ब्रह्म रंग से होकर के, और भ्रमतस्तितस्ततः
उसकी जो आंखें थी वो इधर उधर भटकने लगी, उसकी पूंछ पूंछ भटकने लगा, वो पूंछ भटकने लगा, पूंछ भटकने इधर उधर तड़पते हुए, आंखें तो बस सीधे एक ही डायरेक्शन में बाहर आ गई, मेंढक की तरह टोड की तरह। और इस तरह से उसकी प्राण वायु ब्रह्मगन के थ्रू बाहर निकली। ठीक 32 सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् स्मृधा परेतान् दृष्ट्या स्वयत्ताप तदन्वित पुनः भक्तान् मुकुंदो भगवान् विनिर्ययो। मतलब जब अघासुर के ब्रह्मरन से, मतलब सिर के उसके ऊपरी भाग से जब उसकी प्राणवायु निकल गई, तब उसके बाद भगवान मुकुंद ने अपने वत्सान मतलब बछड़ो और सुवर्धत परिधान मतलब जो ग्वाल बाल थे जो कि वहाँ पे एक मृत अवस्था में पड़े हुए थे उन पर अपनी दृष्टि फेरी और उसके बाद वो पुनः अघासुर के मुख से बाहर आ गए। भक्तान मुकुंद भगवान विनय भगवान मुकुंद जो जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं वो सबको लेकर के बाहर। ठीक हो गया जी पूर्ण। ठीक अच्छा कृष्ण के विस्मित होने का कारण क्या था? भगवान ने सोचने लगे, भगवान ने सोचने लगे कि ये इसलिए वो होने लगे क्योंकि वो प्रेम के कारण विस्मित हो गए और या तो लीला शक्ति, लीला शक्ति क्योंकि भगवान ने ऐसा सोचा कि इनका कोई प्रारब्ध का तो कर्म है नहीं और परमात्मा क्यों नहीं है प्रारब्ध क्योंकि उन्होंने जब से वो एग्जिस्टेंस में आए उन्होंने सिर्फ मेरे ही खुशी के लिए सारे नित्य सिद्ध है, इसलिए नित्य सिद्धों का कोई प्रारब्ध नहीं होता। मटेरियल वर्ल्ड में कभी आए नहीं, कुछ कर्म किया ही नहीं। और सेकंड है कि परमात्मा प्रवृत्त कर नहीं सकते, परमात्मा प्रवृत्त कर नहीं सकते क्योंकि परमात्मा मेरा ही स्वरूप है तो वो मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है। तो फिर ये लास्ट में बोलते हैं लीला शक्ति का ही कार्य है, ये लीला शक्ति क्योंकि लीला शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे भगवान भी कंट्रोल में हो जाते हैं, वो भगवान पर भी अपने अपना प्रभुत्व जमा किए। तो मुझ पर लीला शक्ति का ही ऐसा प्रभुत्व है, प्रभुत्व है। तो ये ऐसा सोचा फिर भगवान ने। और नेक्स्ट तुम बताओ निवेदिता, हरि किसे कहते हैं? हरी 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 किसे कहते हैं? हरी जो सबके संकट पास क्वेश्चन, इसका पास क्वेश्चन। हरी कहते हैं जो भक्तों के संकट को हर लेते हैं और जो दुष्ट होते हैं उनके प्राण हरते हैं और तीसरा आवागमन उनका बंद कर देते हैं। ठीक, देवता तो भगवान के तत्व को जानते हैं संजीव प्रभु जी, देवता तो भगवान के तत्व को जानते हैं, फिर कृष्ण के अघासुर के मुख में प्रवेश करने पर वे हाय हाय क्यों करने लगे? कैमरा का मालिक जी ऐसा है, देवता सब जानते हैं लेकिन जो है इतना वही प्रीति करते हैं ना भगवान से, जहाँ प्रीति होती है तो वहाँ पे भय हो जाता है। सही बात है कि देवता तो जानते हैं, भगवान के ऐश्वर्य जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये भगवान मुख के अंदर चले गए तो इनका प्रीति का जो वर्णन है ना, क्योंकि प्रीति बहुत करते हैं देवता भगवान से, तो ये प्रीति का लक्षण है कि जो अपना जिसे हम प्रीति करते हैं। क्या लक्षण है एग्जैक्ट? विवेक शून्य, विवेक को समान कर लेती है, विवेक नहीं रह जाता, विवेक नहीं रह जाता। हाँ हरी हरी। ठीक, एक और पॉइंट है प्रभु जी कि भगवान की ये भक्त वात्सल्य रीति को देखकर उनकी ऐश्वर्य बुद्धि जो थी वो लुप्त हो गई थी, इसीलिए वो हाहाकार वही विवेक समाप्त हो गया। ठीक नेक्स्ट नेहा, शक्टासुर और तृणावर्त का वध तथा दाम बंधन आदि लीला में श्री कृष्ण ने क्षुद्रतर यानी छोटा बाल स्वरूप को तनिक भी न बढ़ाते हुए लीला का संपादन किया, अतः
सर्वसमर्थ भगवान होकर उन्होंने अघासुर वध के समय अपने को क्यों बढ़ाया? क्योंकि प्रभु जी वहां पर उनके जो भक्त थे वो तो उसके अंदर थे अघासुर के, और वहां कोई देखने वाला था नहीं उनके अलावा, देवताओं के अलावा, तो वो आराम से अपना ऐश्वर्य लीला कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना वो वर्धन किया, अपने अपने को बढ़ाया। किसी के भाव में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आएगी। षठे षाठ्यम वाली रीति अपनाई उन्होंने, षठे षाठ्यम समाज तो क्या देखने वाला कोई नहीं था उनकी, भगवान की ऐश्वर्य देखने वाला चित्त तो उन्होंने सारे बंद कर दिए। गलत बात, माधुर्य रस का आसान आस्वादन करने वाला कोई नहीं था। माधुर्य का आस्वादन करने वाला कोई नहीं था। देखो जहाँ सुई से काम चलता है वहां तलवार नहीं उठाई जाती, ठीक है ना? तो अब जब ऐश्वर्य से ही काम चल रहा है तो माधुर्य क्या दिखाना है ना? ऐश्वर्य छोटी चीज है, माधुर्य बहुत बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज दिखाने की जरूरत ही नहीं थी वहां पे, ये है कारण। छठे षाठ्यम समाचरित, ये एक नीति है कि धूर्त के साथ धूर्तता का ही व्यवहार करना चाहिए, सांसारिक नीति है। वैष्णव लोग तो सबका उपकार ही करते हैं, छठे षाठ्यम समाचरित नहीं करते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी भगवान ने किया क्या आखिर? आखिर तो उसको मुक्ति ही दे दी। नेक्स्ट मुरली, क्या जीव की चिन्मय देह को, अच्छा ये तो 33 नंबर से है, 33 अभी थोड़ी हुआ है, 32 तक ठीक है, हो गया हरे कृष्ण। चलिए बहुत अच्छा है, अच्छे से आप लोग पढ़ के आए, बहुत खुशी हुई, ऐसे ही होना चाहिए, रिवीजन जरूर करना चाहिए घर जाके। हमको दे दिए वापिस, फिर यही बढ़ जाएगा, बढ़ते जाएंगे। हमने कैसे दिया था, आप लोग कैसे दे रहे हो? हाँ ये ठीक है, बाकायदा देखिए टेप की लगा हुआ। हमको थोड़ी खोलना है, खोलना तो आप ही को पड़ेगा अगली बार। चलिए क्लास के एंड में ना मैं आपको एक इसमें जो पैराग्राफ है ना जो आपने हम लोग को वो वैष्णव गीत सुना उसका मैं थोड़ा सा बंगाली में बोलूंगी, थोड़ा सा मीन बहुत स्वीट है, बाद में बोलूंगी। ठीक ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये ततो जयं मुदीरये
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् नमश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा कुंज हरिराज की।